पुलवामा आतंकी हमले के दूसरे साल में हार्ट्स ऑफ वर्क फाउंडेशन ऑफ सूरत और ग्रीन मैन विरल देसाई ने शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित किया। देश का पहला पुलवामा स्मारक देश के नंबर वन ग्रीन उदना जंक्शन स्टेशन पर स्थित है, ताकि सूरत के कई प्रतिष्ठित व्यक्ति पुलवामा में आतंकी हमले में शहीद हुए सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए। हार्ट्स ऑफ वर्क फाउंडेशन द्वारा तैयार किए गए आई लव ग्रीन उदना स्टेशन के स्मारकों का अनावरण उदना जंक्शन स्टेशन सूरत में किया गया। हार्ट एट वर्क फाउंडेशन ने सूरत में दो संगठनों के संस्थापक सदस्य, एक जय जवान नागरिक समिति और दूसरा मारुति वीर जवान ट्रस्ट को भी सम्मानित किया गया, जिन्होंने देश के शहीदों और सैनिकों के लिए सराहनीय काम किया है। जय जवान नागरिक समिति के कांचीभाई भलाला और मारुति वीर जवान ट्रस्ट के नानू भाई सावलिया विशेष रूप से उपस्थित थे। पुलवामा अटैक ना जे शहीद सैनिकों की याद में जेटला सैनिकों शहीद थे एमनी याद में वृक्षों लगायेला अने ए आजे विकास करी रहा छे एमनी याद में आजे कार्यक्रम रखेलो अने सैनिकों ने श्रद्धांजलि उपरांत शहरीजनों ने रेलवे ना यात्रियों में एक पर्यावरण एक कंसेप्ट मैसेज फरतो थाय ये प्रयासों में विरल भाई ना सहयोग थी आजे काम करवामां आव्युं छे। ग्रीनमैन विरल देसाई ने इस अवसर पर टिप्पणी करते हुए कहा, उदना स्टेशन को अब देश में नंबर वन ग्रीन उदना स्टेशन के रूप में जाना जाता है। जब देश का पहला और एकमात्र पुलवामा शहीद स्मारक इस ग्रीन स्टेशन पर स्थित है, तो यह आज सूरत के नागरिकों की जिम्मेदारी बन जाती है कि पुलवामा में आतंकवादी हमले में शहीद हुए हमारे सैनिकों को याद किया जाना चाहिए और उनकी शहादत के उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। हार्ट्स एट वर्क फाउंडेशन इसके लिए प्रतिबद्ध है और यही वजह है कि पिछले सालों से हम नियमित रूप से पुलवामा वर्ष के मौके पर शहीदों को याद करते हैं। फर्स्ट आ एक एवं स्मारक जे छे, जे पहलू शहीद स्मारक पर्यावरण ने प्रकृति साथ जोड़ेलू है। 40 सैनिकों जे आपणे एक खोईवा था, ए 40 सैनिकों 40 मोटा वृक्षों आपणे रोप्या छे अहींया, अने आजे जे लोको आव्या था ए लोकोने पण आपणे एक पक्षीघर आपीने अने एक वृक्ष आपीने आपणे श्रद्धांजलि आपी छे अने अहींया घणा बधा लोको भेगा थया था। यह उल्लेख किया जाता है कि उदना स्टेशन के पास पुलवामा शहीद स्मारक में शहीद सैनिकों के नाम की छवि है और सभी सैनिकों के नाम पर एक पंक्ति में बड़े बड़े पेड़ लगाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनादेश न्यूज़, सूरत।